पग घुंघरू, ये पग घुंघरू बांध तेरा ना। घर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अगर दुनिया में है स्वर्ग कहीं तो है यही यही और बस यही। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज से अगले 4 से 5 दिनों तक कोई डेडिकेटेड फूड व्लॉग नहीं आने वाला है, बल्कि घर बैठे बैठे पूरा कश्मीर आपको घुमाने वाला है। खाना भी होगा बट साथ साथ होने वाला है। तो अगर आप कभी लाइफ में कश्मीर गए नहीं है, जानना चाहते हैं कि कश्मीर कैसा है, तो ये सब कुछ इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा। आज है ये पहला वीडियो इस सीरीज़ का जिसमें कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं पटना से श्रीनगर। आप फ्लाइट लेके भी जा सकते हैं या चाहे तो ट्रेन से भी जा सकते हैं जम्मू तक, और जम्मू से बाई कार आप श्रीनगर पहुँच सकते हैं। अभी ट्रेन का जो सर्विस है वो श्रीनगर तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग फ्लाइट में बैठ गए और ये खूबसूरत सा जो नज़ारा है देखते हुए खुशी खुशी पहुँच गए स्वर्ग पे, जिसे कि लोग कहते हैं कश्मीर। पहुँचते साथ आपका स्वागत किया जाएगा, और जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले, जाएगा पटना का झंडा जो है वो कश्मीर में लहरा रहा है। तो कश्मीर जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी अच्छे से कंपनी का टूर पैकेज जो है वो लेना। हम लोग काफ़ी रिसर्च किए, काफ़ी स्टडी किए, तो डिसाइड किए बेस्ट जो टूर पैकेज देने वाले हैं कश्मीर में वो है आईसी कश्मीर। सबसे पहला चीज़ यहाँ के लोकल है, ये लोग कोई बाहर से नहीं आए हैं। दूसरी चीज़ कि जो ओनर है, जो फाउंडर है, वो खुद इंडियन एयरफोर्स से रिटायर किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी सा ये कंपनी है। हम लोग का जो सारा पैकेज है, जहाँ भी हम लोग गए हैं, जैसे भी गए, सब कुछ इन लोग के थ्रू हुआ। ये सारा डिज़ाइन किया, ये कंप्लीट टूर पैकेज जो है वो बेस्ट रेट में हम लोग को प्रोवाइड किए। तो कभी भी कश्मीर जा रहे हैं जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा आईसी कश्मीर से। अभी स्नो वगैरह इधर नहीं हो रहा है, इधर सोनमर्ग में है। सोनमर्ग में है? हाँ, और गुलमर्ग। अच्छा, सोनमर्ग और गुलमर्ग मतलब लाइव स्नोफॉल मिल जाएगा? लाइव अगर जैसे बादल वादल आ गए तब लाइव मिल जाएगा। अब मतलब इधर के माहौल में कोई दिक्कत नहीं है ना? जब से वो सब हटा आर्टिकल 370, पहले भी नहीं था कुछ भी नहीं। जैसे पहले नहीं, जैसे आप बता रहे थे ना वो पत्थरबाजी ये सब चीज, वो तो बंद हो गई, वो तो बंद हो गई टोटली, बिल्कुल ही बंद हो गई। वो तो बढ़िया हुआ हमारी, पहले हमेशा होते रहता था पत्थरबाजी। पहले तो मतलब जब भी किसी जगह कुछ होता था, अच्छा अगर श्रीनगर में होता था मतलब 25 किलोमीटर दूर पत्थरबाजी होती थी। श्रीनगर में तो होती ही होती थी, उधर भी होती थी। अरे किस लिए यार? तो कौन मतलब करते, यहाँ के लोकल ही थे वो लोग? लोकल ही थे ना। अच्छा, वो यहाँ पे किसी का कोई पता नहीं। सही बात, सही बात। क्या करवा रहा है, क्या कर रहा है, ये नहीं क्या। और इस वजह से फिर बच्चे लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब होता था। हाँ, हमें ये चीज पता है कि पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। 6-6 महीने तक स्कूल बंद रहता था। आप लोग का मेन कंसर्न यही है? अब जो है ये सब हटने के बाद से अब कोई दिक्कत नहीं रहा, प्रॉपर स्कूल चल रहा है। हाँ। चलिए बढ़िया। और टूरिस्ट लोग के लिए तो दिक्कत नहीं है कुछ? ना, पहले से नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो भी मतलब यहाँ आना चाहे घूमने, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक्चुअली अगर उस टाइम में जहाँ पे पीक पे थी यहाँ पे इमरजेंसी, उस टाइम में अगर किसी टूरिस्ट को दिक्कत हो जाता था तो लोकल सपोर्ट उसको बहुत मिलता था। अच्छा, लोकल लोग भी टूरिस्ट को सपोर्ट करते थे? आज भी, आज भी, आज भी। क्योंकि वही कश्मीर सुन के मतलब लोगों के नाम में होता है कि जाए नहीं जाए, लेकिन पूरा सेफ है। हाँ, हम लोग भी यहाँ आ रहे हैं, कम्प्लीटली सेफ है। मैं बोलूंगा आपको 110% सेफ, मतलब मैंने आज तक जो देखा। सही बात है, क्योंकि हम लोग तो वही सब देखते हैं ना न्यूज में। हाँ, जो दिखा रहे हैं। हाँ, मीडिया में जो दिखा रहे हैं। हाँ, एक्चुअल तो यहाँ आने के बाद समझ में आएगा लोग। हाँ, बस यही बात। तो अभी हम लोग रूम में आ चुके हैं, ये देखिए, ये आया है पटना सिटी। पटना सिटी में ही इनका घर है, तो पटना सिटी से आया है ये गोंद का लड्डू टंडन स्वीट्स से। तो कश्मीर में हम लोग बैठ के टंडन स्वीट्स का ये लड्डू खाएंगे। और ये जो है ये आ गया है कावा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, लोग जानते ही होंगे इस चीज़ के बारे में। कश्मीर में आइएगा तो आपका स्वागत जो है इस कावा के साथ किया जाता है। और साथ में सिर्फ कावा नहीं दिया गया है, ये देखिए, ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी दिया गया है। और ये जो है ये हमारा बेडरूम है, पहाड़ के ऊपर है। इधर से कुछ व्यू आपको अच्छा दिखेगा नहीं, क्योंकि अनलकीली ग्राउंड फ्लोर पे रूम मिला है, सारा रूम ऊपर का फुल था। और यहाँ किसी भी होटल में जाइएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट रहता है, प्लस कुछ हीटर वगैरह जो है वो सब भी आ रहा है। देख सकते हैं कि हमारा खाना जो आ चुका है, काफ़ी टेम्पटिंग सा लग रहा है देखने में। कश्मीर आके अभी हम लोग खाएंगे एक चिकन कोरमा, ग्रेवी थोड़ा पतला सा है, और 4 पीस जो है वो दिए हैं, लेग पीस दिए हैं, और 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय लिए हैं, बताएं कि एकदम फ्रेश बना के देते हैं। नेक्स्ट ये जो है ये हो गया गर्मा गर्म तवा रोटी, 20 रुपए का ये एक रोटी है। और इधर जो है ये हो गया कश्मीरी पुलाव,
चिकन पुलाव, ये देखिए कश्मीर का पुलाव काफ़ी फेमस है, तो ये हम लोग लिए हैं चिकन पुलाव। चिकन है कि नहीं इसमें, होपफुली हाँ चिकन दिखा, थोड़ा दिखा थोड़ा दिखा। ये 190 रुपीज़ का हाफ प्लेट चिकन पुलाव हम लोग लिए हैं, तो इंजॉय करते हैं बस डिनर को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो चुका है और ये देखिए ये हमारे होटल से सामने का जो व्यू है वो देख सकते हैं आप। और मॉर्निंग में बहुत अच्छा सा व्यू था, पूरा पीछे में माउंटेन्स जो है वो दिख रहा था। अभी सनराइज हो गया है इस वजह से आपको अभी पीछे का जो पहाड़ है वो नहीं दिख रहा होगा। रात में माइनस में टेम्परेचर था, काफ़ी ज़्यादा ठंड था, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है ये सनराइज़ देख के। और ये है कश्मीर, यहाँ का जो घर भी है वो इसी स्टाइल का होता है, इस तरह से स्लोप जैसा बना होता है, क्योंकि यहाँ स्नोफॉल होता है इस वजह से ऐसा स्लोप बना रहता है टेरेस पे, ताकि जो स्नो है वो नीचे की ओर गिर सके। और हम लोग जैसा मतलब छत जैसा होता है फ्लैट, उस तरीके का यहाँ घर आपको नहीं दिखेगा। तो इस माउंटेन व्यू के साथ इंजॉय करते हैं गर्मा गर्म चाय। अब हम लोग यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। ये सारा जो लगेज हमारा है ये हो चुका है पैक, और इधर देखिए ये बाहर जो है गाड़ी आके लगी हुई है। आईसी कश्मीर जिनके थ्रू हम लोग ये पूरा टूर करवाए हैं, जो पूरा कश्मीर हम लोग को घुमाने वाले हैं, बस वही लोग ये गाड़ी भेजे हैं होंडा अमेज। और इसी कार से हम लोग अभी श्रीनगर घूमेंगे या आने वाले टाइम में गुलमर्ग, पहलगाम, हर जगह इसी कार से जाएंगे। तो ये होटल के बाहर का लुक देख सकते, एकदम सूखा सूखा पेड़ जो है वो दिख रहा है पूरा। इधर देखिए ये पूरा पहाड़ वाला एरिया, जिस जगह पर हम लोग ये रूम लिए थे, थोड़ा आइसोलेटेड सा स्पेस है, पीसफुल सा स्पेस, और पहाड़ के ऊपर है। जगह का नाम भी कुछ हरमन जगह का नाम है ये, श्रीनगर में हरमन ये जगह का नाम है। और एक्साइटमेंट देख सकते हैं, लोग काफ़ी खुश हैं यहाँ आके। और इधर जो है हमारा होटल है, बस गाड़ी में लगेज वगैरह जो है रखा गया, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, कुछ लोकल टूर करते हैं। इधर देख सकते हैं कि ये सब जो है ये सब लोकल कश्मीरी घर है। हम लोग मेन मतलब कॉमर्शियल एरिया में नहीं थे, थोड़ा अंदर वाले एरिया में थे, इसलिए ये प्रॉपर रेसिडेंशियल एरिया है सारा जो है। आप घर देख सकते हैं, सारा पूरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, हर घर आपको इस तरह का दिखेगा। मतलब जो टेरेस है यहाँ पर, वो लोग छत पर जाके कपड़ा नहीं सुखाते हैं, पता नहीं यहाँ कपड़ा लोग कैसे सुखाते हैं। हम लोग के घर में है कि छत पर गए वहाँ पर अपना टांग दिए, बट यहाँ हर जगह स्लोप रहता है, टेरेस पर जाने का जो रास्ता है वो नहीं रहता है। और हर कोई हाथ में वो क्या बोलते हैं भैया, वो जो पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, फेरन, अच्छा, और अच्छा ये हो गया फेरन। और अंदर में क्या जो रखते हैं उसको बोलते हैं कांगड़ी, जिससे कि गर्म रहते हैं लोग। पास में सर अभी शालीमार पार्क है, निशाद पार्क है, ये सारे मुगल गार्डन है। मुगल गार्डन है तो मेनली, तो हमको लगता है कि घूमने के लिए यही दो गार्डन है ना यहाँ पे, एक शालीमार और एक निशाद। चश्मेशाही भी है, चश्मेशाही वहाँ पे क्या रहता है, वो भी गार्डन ही है। मतलब श्रीनगर में मेनली घूमने के लिए गार्डन है, गार्डन है, और अपना लाल चौक का जो एरिया है उसमें कोलाक टावर है, अच्छा बहुत पुराना है, अच्छा वहाँ पे भी है, डल लेक है। तो अभी नियरेस्ट में वो शालीमार गार्डन है, तो वहाँ हम लोग घूमते हुए फिर चलते हैं। ठीक, ये शालीमार गार्डन। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जिस गार्डन में, उसका नाम है शालीमार गार्डन। यहाँ पर देख सकते हैं ये टिकट काउंटर है, और 24 रुपये रेट है टिकट का, एक लोग का 24 रुपये, बच्चे का है 12 रुपये। और क्या खूबसूरत कश्मीर लग रहा है, मतलब आज पहला दिन एक तरह से, कल शाम को आए ही हम लोग, फर्स्ट डे काइंड ऑफ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हर जगह एकदम खाली खाली शांति। तो ये है शालीमार गार्डन, कोई गार्डन बहुत कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल सा गार्डन है, बट हल्का फुल्का ये इस तरह का पेड़ आपको देखने को मिलेगा, और नॉर्मल गार्डन है, कुछ बहुत ऐसा यूनिक या अलग नहीं है। तो अब हम लोग चल रहे हैं पार्क से बाहर, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ आप करवाना चाहें तो ये भी करवा सकते हैं, इस तरह से कश्मीरी कपड़ा जो है वो पहन के फ़ोटो वोटो खिंचवाना चाहें तो वो खिंचवा सकते हैं। तो शालीमार गार्डन से बाहर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है फेस पे और पैर में, तो कुछ सोच रहे हैं कि कुछ फेस को कवर करने के लिए कुछ ले लेते हैं। पटना से लेकर हम आए नहीं, बोला कि हो जाएगा मैनेज, कितना ही ठंड होगा, यहाँ आके फील हो रहा है। भैया कुछ फेस के लिए है क्या, फेस पे फेस कवर करने के लिए, ये हाँ हाँ नहीं वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। तो क्या है वो, गिलसेरी, कहाँ जाए गिलसेरी लाओ ना, गिलसेरी, अच्छा वो आपको ये रखेगा हाथ बहुत अच्छा, अच्छा उसको गिलसेरी बोलते हैं, गिलसेरी मैं मुझको था वो खत्म, वो टूरिस्ट ने सब लिए, सब टूरिस्ट लोग ले लिए, ठंड ही इतना है, लेना ही पड़ेगा। हम पे लगा देने सुबह शाम हाथ को, हाथ का तो इंतजाम है, फेस का कुछ चाहिए था, फेस का कुछ नहीं हो पाएगा, फेस का वो गिलसेरी है ना, गिलसेरी वो सब कुछ लगता है, वो चेहरे को साफ करता है। अच्छा तो वो आपके पास खत्म हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास ये सब तो लेकर आए हैं, वो फेस वाला चाहिए था।
तो अब ये सामने वाला जो शॉप है यहाँ चलते हैं और कुछ चाय वाय पीते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाय है? चाय कॉफी चाय दे दीजिएगा चाय। उसके बाद एक दूसरे शॉप पर हम लोग गए और यहाँ जो है मिल गया फेस और सर को कवर करने के लिए इंतज़ाम जो है वो हो गया। फिर कार में बैठे और निकल गए हम लोग लाल चौक की ओर। लाल चौक बहुत खूबसूरत सा जगह है, लाल चौक जाइएगा ज़रूर अगर कभी भी श्रीनगर जाते हैं तो। और थोड़ा मोड़ा फ़ोटो वोटो जो है ये सब यहाँ पर हम लोग खिंचवाएँ, कुछ अलग अलग ब्लॉग शूट किए, डेडिकेटेड फूड ब्लॉग जो कि आगे चल कर आएगा। तो नेक्स्ट आए हैं हम लोग एक पार्क में जिसका नाम है चश्मे शाही और थोड़ा ऊँचाई पर है ये वाला पार्क। ये देख सकते हैं ये है पार्क का लुक, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ ये पार्क है और काफ़ी ऊंचाई पे ये पार्क जो है सिचुएटेड है। लोग भी अच्छे खासे दिख रहे हैं, हम लोग भी काफ़ी चढ़ाई करके इस पार्क में आए हैं और वहाँ जो है फ़ोटो वोटो खिंचाने वाला कार्यक्रम चल रहा है। बस यही था पार्क का नज़ारा। चश्मे शाही और पड़ी महल बहुत खूबसूरत सा पार्क है, वहाँ भी ज़रूर जाइएगा। वहाँ हम लोग रील्स वील्स बनवाए और फिर आ गए जान बेकर्स में जो कि श्रीनगर का सबसे पुराना बेकरी शॉप है। कुछ खाने पीने का सामान जो है वो लिए और रात हो चुकी थी तो बस वापस अपने होटल की ओर निकल गए। अब वेट कीजिए आने वाले व्लॉग का, वो और ज़्यादा इंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ख़त्म करते हैं ये वाला वीडियो। थैंक यू सो मच।